गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स। चैप्टर वैसे ही छोटा था लेकिन इसमें से अधिकतर पार्ट 25% या 30% जो डिलीट किया गया इस साल के लिए सिलेबस उसमें डिलीटेड है, इसलिए केवल दो ही टॉपिक्स इस पार्ट में से, इस चैप्टर में से अपने को डिस्कस करने हैं। एक है ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और दूसरा है मैग्नेटाइजेशन। ये दो टॉपिक्स हम यहाँ डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले थोड़ा ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। कोई भी मटेरियल में जो मैग्नेटिक नेचर पाया जाता है उसका ओरिजिन कहाँ होता है, तो हमने बार मैग्नेट के बारे में पढ़े हैं जिसमें दो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, जो कभी भी एक दूसरे से सेपरेटेड नहीं होते, इसलिए उसको मैग्नेटिक डायपोल कहा जाता है। और बाद में अपन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के बारे में देखें, उसमें से अगर करंट फ्लो होता है तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस जिस सरफेस के लिए अपीयर होता है उसके वो नॉर्थ पोल करके बिहेव करता है, और क्लॉकवाइज सेंस करंट अगर अपीयर होता है तो साउथ पोल। और ऐसे करंट कैरिंग लूप को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्थिर होता है, इसलिए उस करंट लूप को भी हम मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। या लास्ट चैप्टर में जो सोलेनोइड अपन ने पढ़े वो भी मैग्नेटिक डायपोल होता है। लेकिन करंट लूप से अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर चलते हैं, यानी न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और सेवरल सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं। ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स कैन आल्सो ट्रीट एज द सर्कुलेटिंग लूप्स, करंट कैरिंग लूप्स, जैसे सर्कुलर लूप्स होते हैं उस प्रकार से। और इसके कारण ये जो एटम्स है उनको एटॉमिक डायपोल्स कहा जाता है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को दो टाइप की मोशन होती है, एक ऑर्बिटल और दूसरा स्पिनिंग मोशन। वैसे देखा गया तो ऑर्बिटल मोशन और स्पिनिंग मोशन दोनों के कारण मैग्नेटिक नेचर जनरेट होता है एटम का, जिन्हें हम एटॉमिक डायपोल्स कहते हैं, और जिसके कारण सब्सटेंस में मैग्नेटिक नेचर या मैग्नेटाइजेशन अपन ये कह सकते हैं कि अपीयर होता है, मैग्नेटिक नेचर अपीयर होता है। तो ये होता है ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट और दूसरा होता है स्पिन डायपोल मोमेंट। वैसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन स्पिन डायपोल मोमेंट का होता है और कम कंट्रीब्यूशन ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट का होता है। जो इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का सेवरल ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इनर जो फुलफिल्ड ऑर्बिट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स का इसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं होता, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके कारण जो स्पिनिंग मोशन होता है उनका, उनसे और ऑर्बिटल, उसके कारण हमें जो टोटल डायपोल मोमेंट है इसे इज स्मॉल एम इक्वल टू एम ऑर्बिटल प्लस एम स्पिन। यहाँ हम एम ऑर्बिटल के बारे में देखने वाले हैं, लेकिन जो स्पिनिंग मोशन होता है इसके कारण भी डायपोल मोमेंट होता है। तो जहाँ जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड अपीयर होते हैं, टेक्स्ट बुक में आप एक ब्लॉक में ऐसा निकाल कर दिया है क्लोरीन के लिए, वो देख लेना ध्यान में आ जाएगा। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है सिंगल एटम का वो अपीयर होता है, यानी एज ए होल अगर सब्सटेंस को देखा गया तो उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आता जब वो अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में होता है। अधिकतर इसके लिए वो जीरो आता है, फिर अप्लाई करने के बाद, फील्ड अप्लाई करने के बाद उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे Fe3O4, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अपीयर होते हैं तो उनका अपना खुद का सिंगल एटम का एटॉमिक डायपोल अपीयर होता है, बहुत सारे मटेरियल्स के लिए अपीयर होता है, लेकिन रैंडम मोशन के कारण या जो बहुत देखा गया तो रिजल्ट ये कैंसल आउट हो जाता है। इसलिए अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस का हमें रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट अपीयर नहीं होता, कुछ एटम्स का ही खुद जीरो हो जाता है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण, लेकिन कुछ के लिए अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स अपीयर है तो रिजल्टेंट कुछ अपीयर होता है, बाकी रैंडम मोशन के कारण या जो होल पूरे सब्सटेंस का वो जीरो अपीयर होता है।
आज अपन देखेंगे ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रॉन सर्कुलेटिंग लूप जैसा बिहेव करता है। डायग्राम अगेन हम एक पीवी लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के लूप को हम बता रहे हैं यहां पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये सेंट्रल पार्ट है एटम का और इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन का डायरेक्शन इस प्रकार से है, तो जो करंट है इलेक्ट्रॉन कन्वेंशनल करंट अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इस इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो होने वाला। ये उसका ऑर्बिटल रेडियस है, ये हो जाएगा उसका ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहा है इसलिए सर्कुलर मोशन में हम बोस थ्योरी में देख चुके हैं उसका एंगुलर मोमेंटम रहेगा समझो एल वेक्टर, जो कि m0 m सब 0 के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। बुक में उसको मेरे ख्याल से m i वगैरह ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, m o या सिंपली मैं m से उसको बता रहा हूं। तो यहां सबसे पहले ये लूप है समझो, उसका एरिया कैपिटल ए है और उसमें से करंट i फ्लो हो रहा है। तो वी नो दैट n इक्वल टू एक्चुअली अपन ने n i ये इस प्रकार का फार्मूला लिया है, तो यहां अपन देंगे i इनटू a। आई जब E जब लूप की बात करें तो E by T हो जाएगा, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम इनटू A। बट एज इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन T इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा एंड ओमेगा इज इक्वल टू V बाय R, देयरफॉर नाउ E डिवाइडेड बाय पहले T कर देता मैं 2 पाई बाय ओमेगा इनटू इट इज कैपिटल ए एल इक्वल टू एंड देयरफॉर इट इज एल इक्वल टू ई इनटू ओमेगा इनटू ए डिवाइडेड बाय इनटू के फॉर्म में लेता है तो 2 पाई एल इज सर्कुलर मोशन ओमेगा इज डी बाय आर and it is circular loop therefore area is pi r square therefore it is E into V by r into pi r square divided by 2 pi, तो यहाँ r square के साथ cancel होगा और ये इसके साथ तो आपको मिलेगा 1 by 2 E V into r and this is formula for ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट। ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट इसको अगर हम इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एल एंगुलर मोमेंटम होता है उसमें लेके जाते हैं, तो बोस थ्योरी में हमने देखे हैं एल इक्वल टू एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी इनटू आर एंड देयरफॉर वी आर कैपिटल यहां से लेते हैं एल डिवाइडेड बाय m into e, अगर m is m सफिशिएंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये हो जाएगा 1 by 2 e into l divided by m e and therefore it is e divided by twice m e into l, therefore now m is equal to in terms of angular momentum e divided by twice m e into l, अगर वेक्टर नोटेशन में लेते हैं so there will be negative sign as both are oppositely directed और ये जो factor है e divided by twice m e is charge of electron m suffix is mass of electron, इसको gyromagnetic ratio कहा जाता है gyromagnetic ratio। again अगर Bohr's theory की बात करें तो l equal to होता है n h upon 2 pi NH upon 2 pi, वो अगर यहाँ लिखते हैं तो m is equal to हमारे पास था E L divided by twice m e, तो l की जगह ये रखना है तो E N H हो जाएगा और ये 2 to 4 4 pi m suffix e, तो इस प्रकार से orbital motion का orbital dipole moment का formula हमें in terms of Planck's constant मिलेगा। अगर n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 रख देते हैं
m इक्वल टू पहले आर्गुमेंट के लिए ds अपॉन 4 पाई m सफिक्स e मिलेगा। इसकी वैल्यू जो भी है बुक में दी है याद करने पड़ेगी कि 9.274 * 10 टू द पावर -24 ये वैल्यू याद कर लेना। लेकिन इसको कहा जाता है बोहर मैग्नेटॉन, इसको क्या कहा जाता है बोहर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू e की वैल्यू या इसकी वैल्यू पाई m रखने के बाद मिलेगा 9. समथिंग * 10 टू द पावर -24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार के आर्बिटल डायपोल मोमेंट है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।